बिहार में पेपर लीक कांड और बिहार पे लगने वाले पेपर लीक कांड को लेकर के दाग ये धुलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बीपीएससी, फिर बीएसएससी, अब आरा के एक सेंटर से सीटेट के क्वेश्चन का प्रश्न पत्र हैक कर लेने की बात सामने आ रही है। इन सारे मसले पर हमसे बात करने के लिए गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सर बताएंगे कि सर इन सारे में दोष किसका है और बार बार इस तरह की समस्या क्यों आ रही है। देखिए दोष को इसको दो रूप में देखिए, एक तो दोष है कि जो चोर इस तरह काम करा रहे हैं वो अपना पैसा बना लिए हैं, वो इसको एक मार्केटिंग के रूप में यूज कर रहा है लोग। लेकिन अगर दोष कहा जाए तो सबसे बड़ा दोष सिस्टम का है, क्योंकि सिस्टम अगर इस तरह के कार्यवाहियों पर कोई हार्ड स्टेप नहीं ले रहा है, कोई बहुत कड़ा कानून नहीं बना रहा है, कड़ा सज़ा नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से सिस्टम का दोष होगा। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये बिहार के लिए, और दिन दुनी रात चौगुनी हम लोग बदनामी के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में बदनामी के मामले में पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिस्टम को टाइट स्टेप लेना चाहिए। आरा में जो हुआ है, हालांकि आरा के सेंटर वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं गलत है, लेकिन उन पर गहन जांच बिठा के उसको कैंसिल करना चाहिए और उसके पूरे सेंटर को कैंसिल करना चाहिए, कोई परीक्षा नहीं देने। सर सीटेट देश स्तर पर का परीक्षा है, सीबीएसई इसका परीक्षा भी लेती है, क्या लग रहा है कि सीबीएसई अपना सही तरीके से तैयारी करवा नहीं पा रही है, सही तरीके से सेंटर का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, ये समझा जाए। देखिए सीबीएसई एक बहुत बड़ी संगठन है, सीबीएसई काम करवाती है अपना, अच्छे लोगों को देती भी है, लेकिन जो आरा में उसने दिया है तो आरा में उसको सीबीएसई को पता तो नहीं हुआ कि वहाँ चोर लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बात हुई है। तो सीबीएसई को चाहिए कि अब वो सेंटर को देखे, किस सेंटर से थोड़ी सी भी अगर वहाँ पर सस्पेंस की बात होती है, किसी तरह गलत की बात होती है तो उस पर रोक लगावे, अन्यथा विश्वास लोगों का उठ रहा है धीरे धीरे, मेरा छोड़ दिए सब लोगों का विश्वास उठ रहा है, और शिक्षा लोग नौकरी की ओर से अब भागने पर उतार होगा कि अब पढ़ रहे कितनों पढ़ेंगे तो होगा नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार भी जागे और आयोग लोग भी जागे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। सर शिक्षक बनने के लिए 30 लाख से अधिक लोग सीटेट का परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न पत्र हैक करने का अफवाह जो निकल कर सामने आ रहा है, इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि कोई जो स्टूडेंट तैयारी करेगा और स्टूडेंट तैयारी करने के बाद जब वो जाएगा वहाँ देखेगा कि हम आपको परीक्षा देने जा रहे हैं तैयारी करके और हैक हो जा रहा है, सिस्टम हैक हो जा रहा है, तो वह ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट निश्चित रूप से उसके लिए मरने के बराबर हो गई है, क्योंकि सालों साल मेहनत करके सीटेट की तैयारी करता है और क्वेश्चन आउट हो जाए तो निश्चित इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है स्टूडेंट के लिए, बहुत बुरा गुजरना होगा उसको निश्चित रूप से। बीएसएससी के कैंडिडेट आज फिर से, आप देखिए कि नए साल में वो लोग महाआंदोलन करके ही शुरुआत किए थे, आज वो लोग राज्यपाल से मिल रहे हैं, तीनों जो शिफ्ट की जो परीक्षा थी उसको रद्द करने को लेकर के उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आज राज्यपाल से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? राज्यपाल कुछ नहीं करेंगे इसमें, स्पष्ट हम पहले बोल रहे कुछ नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री चाहे वही कैंसिल करें इसको, और अब कैंसिल कर देना चाहिए, ज़्यादा नींबू को इतना मंद छोड़िए कि तीता होने लगे, इसलिए प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप इस पर स्टेप उठाइए, अब इस पर बिहार की समस्या है, इस पर अब गृह मंत्री भारत सरकार को लगा दीजिए, प्रधानमंत्री को लगा दीजिए, उससे नहीं होगा, मुख्यमंत्री ही इसको कैंसिल करे, उन्हीं से कैंसिल होगा, राज्यपाल हो सकता है मिले भी नहीं, अगर मिलेंगे भी तो गोल गोल बात करके तो उससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं वो। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ गुरु रहमान और इन्होंने बताया कि जो परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, सालों तक परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, बावजूद इसके जब सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, ऐसे में लाखों स्टूडेंट के भावना को यूँ कहे तो आहत पहुँचती है, साथ ही साथ जो तैयारियाँ हैं इसको लेकर के वो लोग परेशान हो जाते हैं कि जिस तरह की तैयारी लेकर के चलते हैं बावजूद इसके प्रश्न पत्र लीक हो जाता है कि सिस्टम हैक हो जाता है, ये लगातार समस्याएँ खास करके बिहार के लिए एक दुर्भाग्य की बात बता रहे हैं। साथ ही साथ आज बीएसएससी के कैंडिडेट राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, इसको भी इन्होंने बताया कि राज्यपाल इस सारे को संज्ञान में नहीं लेंगे, उनका वो शायद इस पर सुनवाई नहीं करें क्योंकि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अंदर में आता है, इसमें राज्यपाल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कसे न्यूज़ के साथ पटना से अंकित।